हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। एक्चुअली ये टॉपिक 11th और 12th में तो नहीं है, लेकिन ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जेई मेन या एडवांस में। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। एक्चुअली बाईसाइक्लो कंपाउंड जैसे नाम से पता चल रहा है, बाईसाइकिल मतलब दो साइकिल। यहाँ पर दो साइकिल प्रेजेंट होंगी। तो जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है इसको समझाने के लिए कि आपके पास यहाँ बाईसाइकिल में, देखिए बाईसाइकिलों में एक तो ये साइकिल दिख रही है आपको और एक ये साइकिल दिख रही है, और दोनों साइकिल में एक कॉमन कार्बन दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये कॉमन कार्बन है ऊपर की तरफ, एक नीचे भी कॉमन कार्बन है, और ये जो कॉमन कार्बन आपको दिख रहा है जहां से साइकिल जो है जनरेट हो रही है उसे हम ब्रिज हेड कह रहे हैं। तो आपके पास बाईसाइकिल में दो ब्रिज हेड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक तो अपर साइड मिलेगा और एक डाउन साइड मिलेगा। ब्रिज हेड के अलावा आपको यहाँ पर ब्रिज कार्बन भी मिलेंगे जो ब्रिज हेड से कनेक्टेड है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास में ब्रिज हेड से जुड़े हुए तीन ब्रिज है, ठीक है। दिस वन फर्स्ट ब्रिज, सेकंड ब्रिज एंड थर्ड ब्रिज, ठीक है। और इन ब्रिज हेड में कार्बन्स भी दिख रहे हैं आपको। तो इन चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि ये टर्म बार बार काम में आएगी। ब्रिज हेड क्या है, ब्रिजेस कौन कौन से हैं और उनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो जब हम इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखें, इनकी नेमिंग स्टार्ट करने में सबसे पहले आप लिखेंगे बाईसाइक्लो। अगर इस तरह का कंपाउंड मिलता है तो आपको इसकी नेमिंग स्टार्ट करनी है बाईसाइक्लो से। तो आपने लिखा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। लिखने के बाद आपको करना है यहां पर एक ब्रैकेट बनाए, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूड करने हैं। और नंबर ऑफ कार्बन को लिखते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके पास जिस ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है आपको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहां पर तो हमें देख रहे हैं कि दोनों तरफ के जो ब्रिजेस हैं दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको वन कहना, तो ये वन है, तो दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो आपके पास टोटल सेवन कार्बन है, लेकिन हमने जो नंबरिंग स्टार्ट की है वो हमने स्टार्ट की है उस ब्रिज की तरफ से जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर आपको बाईसाइक्लो में इस ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन को मेंशन करना है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन दो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो आप लिखें टू डॉट, ध्यान रखें कॉमा नहीं लगाए यहां पर, डॉट यूज करना है। देन अगेन टू फॉर दिस ब्रिज, और उसके बाद इस मिडिल वाले ब्रिज को देखें तो इसमें आपके पास एक ही कार्बन है, तो यहां पर आप क्या करेंगे वन लगाएंगे। तो बाईसाइक्लो टू टू वन, ओके। और उसके बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, अगर कोई आपके पास में सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है तो लास्ट में आपको यहां लिखना है कि सेवन कार्बन के लिए हैप्ट हैप्ट एंड देन ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल, अगर सभी बॉन्ड सिंगल है तो आप लगाएंगे एन। तो ये हो गया आपके पास बाईसाइक्लो टू टू वन हैप्टीन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। अब सिमिलरली इसे अगर हम देखते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम में, तो इस सेम स्ट्रक्चर को आप यहां देख सकते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम में। तो यहां पर हमने लेबलिंग इस तरह से की थी इसकी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, इसका नेम हम यहां लिख चुके हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, तो सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये भी हमारे पास बाईसाइक्लो है और इसमें भी हमारे पास में तीन ब्रिजेस हैं, दो ब्रिज हेड हैं। तो अगर हम ब्रिज हेड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वन, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, टू थ्री फोर, फिफ्थ कार्बन यहाँ है नहीं। अब अगर आप इसकी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले आप बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो, देन ब्रैकेट में आपको इसके नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करने हैं। तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, एक कार्बन यहां पर है आप देखें ब्रिज से जुड़ा हुआ, एक कार्बन यहां पर है और यहां पर एक भी नहीं है। तो यहां आ जाएगा आपके पास वन डॉट वन डॉट जीरो, देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास में फोर, तो ब्यूट, और फिर लास्ट में एन ऐड करते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी, ब्यूटेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। नेक्स्ट देखिए थर्ड, थर्ड एग्जांपल में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। तो यहां पर ब्रिज हेड अगर हम देखें तो ध्यान रखें इसे ब्रिज हेड कंसिडर नहीं करें, ब्रिज हेड वहां वो है जहां से आपको तीन कार्बन की चेन दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम यहां देखते हैं तो ये कार्बन जो है वो तीन कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक दो और ये तीसरी चेन यहाँ दिख रही है, तो इसको आप नंबर वन नाम दे रहे हैं।
अब वन में इसके बाद आप सेकंड कार्बन देखें तो सेकंड कार्बन आपको किस तरफ जाना है, जहां नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर है, तो 2, 3, 4, 5 देन 6 एंड देन 7। अब यहां पर जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में सबसे पहले आपको बाईसाइक्लो लिखना है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में आपको नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करने हैं, तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4 कार्बन है और वहां वन ही कार्बन है, तो पहले 4 लिखें डॉट, देन 1 लिखें डॉट, और उसके बाद में यहाँ 0 लगाएं, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट में आपको इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास में है 7, तो 7 को आप क्या लिखते हैं बताएं, हेप्ट। तो हेप्ट के आगे अब आपको, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन मेंशन करना है, तो हेप्टेन हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कंपाउंड देखें आप, तो फोर्थ कंपाउंड में आपके पास में यहाँ पर ब्रिज हेड अगर देखा जाए तो ये ब्रिज हेड है, यहाँ पर आपके पास में एक कार्बन है, देन दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पहले लिखिए आप बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में नेक्स्ट आगे मूव करें, नंबर ऑफ कार्बन को मेंशन करें, तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, दिस साइड आल्सो 1, 2, 3, 4, 4 4 कार्बन है दोनों तरफ डॉट, एंड देन उसके बाद में इसमें बीच वाले में देखें आप ब्रिज में आपके पास 0 कार्बन है, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास में 10, देन डेक और डेकेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी तो डेकेन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो बाईसाइक्लो लगा दें, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद आप लगाएंगे नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 1, 2, दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, 2 डॉट 2 डॉट सॉरी 2 एंड देन बीच में 0 है, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हेक्स एन हेक्सेन। लास्ट इसका एग्जांपल देखें सिंपल में, इसमें भी आपके पास ये ब्रिज हेड हो गया है 1, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो एंड बाईसाइक्लो के बाद नेक्स्ट देखें 7, 8 एंड 9 सॉरी बाईसाइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों तरफ 3 3 कार्बन है आपके पास और बीच में एक कार्बन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 9, तो नॉन एंड देन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन नॉन एन, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास सेवेंथ एग्जाम्पल में अगर यहां देखें तो ये ब्रिज हेड हो गया आपका पास। अब ब्रिज हेड के अंदर अगर दोनों तरफ देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 ही है, तो नेचुरल है कि हम वहां से स्टार्टिंग करेंगे जहां से नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर है 2, 3, 4। अब उसके बाद ध्यान रखना है कि यहां आपके पास में सेम नंबर ऑफ कार्बन है दोनों ब्रिज में, लेकिन इस ब्रिज में आपके पास मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पर आप नंबरिंग को इस तरफ लेकर के जाएंगे 5 देन 6। अब जब इसकी नेमिंग करते हैं तो पहले बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप देखें, ब्रैकेट में देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है इस तरफ आपके पास 2 कार्बन है 2 डॉट, देन यहां पर एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है 1 डॉट 1, और उसके बाद में हेक्स। इसमें एक चीज हमने छोड़ दी है, आपने ध्यान दिया हो तो, कि एक्चुअली ये जो बिगनिंग के अंदर हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाया है इसकी नेमिंग नहीं की है, तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है ये प्रिफिक्स है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कहते हैं, तो इसकी नेमिंग आप पहले करेंगे। तो बाईसाइक्लो लिखने से पहले इसकी पोजिशन मेंशन करके लिखें, तो 5 नंबर पर आपके पास मिथाइल है, तो ध्यान रखें 5 मिथाइल लिख करके, मिथाइल 5 मिथाइल लिख करके देन बाईसाइक्लो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगेन, तो आपके पास, अच्छा अब यहां पर एक चीज और ध्यान दें, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि इस छोटी साइकिल में आपके पास में CH3 ग्रुप है और यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है, तो हम कॉमन IUPAC सिस्टम में तो क्या करते थे, जहां सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है उसको प्रायोरिटी देते थे, लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको जो लॉन्गेस्ट चेन है आपको उस तरफ जाना है, तो ये ब्रिज हेड हो गया 1 और यहां पर आपके पास में 4 कार्बन है, यहां आपके पास 3 ही कार्बन है, तो आपको उस तरफ मूव करना है जहां नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
अब इसमें सबसे पहले वापस क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स, जो कि 8 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिखेंगे 8 मिथाइल के बाद में आपके पास में बाईसाइक्लो लिखना है आपको, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करने हैं, तो यहाँ आपके पास 1 2 3 4 फोर कार्बन है, डॉट लगाएं, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, देन बीच वाले में कार्बन है ही नहीं, जीरो लगाएं, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, नॉन एंड देन एन लगाएं, नॉन एन सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका यूपीसी नेम है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटी ध्यान रखें लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को ही देना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी यहाँ नहीं मिलेगी, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है किसी ब्रिज के अंदर तब आप फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में दिस साइड 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। फिर डिस्टेंस देखें आप, अगर यहाँ से देखते हैं तो सेकेंड नंबर पर आपके पास में कीटो ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ भी सेकेंड नंबर पर कीटोन ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स कहीं भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने इस ब्रिज को लेस प्रायोरिटी दी है, रीजन क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स तो इसमें कुछ है नहीं, यानी कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है जिसे हम बिगनिंग में लिखें, तो इसलिए हम इसकी स्टार्टिंग बाईसाइक्लो से करेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लगाएं आप, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है नंबर ऑफ कार्बन, तो देखें यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, सेम है, तो 2 डॉट 2 डॉट 2 एंड देन आपके पास में आगे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, तो 8 कार्बन है, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है एन, ऑक्टेन, लेकिन आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ऑन, पोजीशन मेंशन करके लिखें, तो लिखें 2,6-ON, ओके, तो ये आपके पास की नेमिंग हुई है। लास्ट एग्जांपल और देखें, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है लेकिन जो C2H5 इथाइल ग्रुप है ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो आपको पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लिखना है, और अब जब आप नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखें ब्रिज हेड को से उस तरफ मूव करेंगे जिस तरफ आपको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मिले, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यहां पर अगर आप नेमिंग करते हैं तो इस नेमिंग में ध्यान दें कि पहले थर्ड पोजीशन पर जो इथाइल है इसे लिखें, तो आप इसे लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल के बाद में बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप देखिए इस तरफ कार्बन है 1 2 3 4, इस साइड भी 1 2 3 4, तो आपके पास 4 डॉट 4 डॉट, बीच में कार्बन नहीं है, 0 एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 के लिए ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ऑक्टेन। तो ये हो गए आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, तो आई होप आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पायरो कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, आपके आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये भी ध्यान रखें कि ये केवल सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा जो आपके पास कोई हेल्प बुक है उसके अंदर जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बाईसाइक्लो कंपाउंड से रिलेटेड है उनको सॉल्व करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसमें कमेंट करें, और अच्छे वीडियो बना सकें इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, thank you.